वेलकम एवरीबॉडी प्लीज मैं भी जो दोस्त चाय ले रहे थे मैं यही बात कर रहा था कि संडे के दिन अर्ली इन द मॉर्निंग आप सबका आना हमारे लिए बड़ी बात है ये बहुत बड़ा हॉल है इसमें 200 लोग भी हों तो लगता है दो हैं लेकिन आप पच्चीस तीस में साथ ही देख रहा हूँ हमारा मकसद यही है कि जो बहुत हमारे सीरियस थिंकर्स uh, हैं उनको इंगेज करें और uh, इस फेस्टिवल का मकसद एक और बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत इंटरएक्टिव किस्म की हम डिस्कशंस रिकॉर्ड करें ताकि यहाँ पर तो तीस चालीस सौ दो सौ थिंकर्स ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं लेकिन ये बात लाखों तक जाए जैसा कि प्रोफेसर इश्तियाक साहब ब्रस्टर हमीद बशानी और टैग टीवी के शोज़ हम समाइम मिलियंस के नंबर्स क्रॉस करते हैं और हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे बैठ के बजाय अपने छोटे से स्टूडियो में या स्काइप पे एक दूसरे से बात करें आज हम एक स्टेज पे बैठ के वो बातें करें जो ज़रा मुश्किल हैं और फिर जब सब तक पहुंचेगी बात तो दूर तक जाएगी मैं बातचीत का आगाज़ करने से पहले एक और भी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं प्रोफेसर इशाक साहब की किताबें हमने वैन गार्ड पाकिस्तान से मंगवाई ज़रा आपको प्राइस ही लगेंगी मैं इनका आपको कारण बताता हूं ये 25 किताबों का बंडल मैंने मंगवाया तो वैन ने मुझे बताया कि ये फोर थाउजेंड की एक बुक है मैंने ठीक है फिर इसमें जो उन्होंने मुझे इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो बताई एक लाख पाकिस्तानी रुपीस में एक लाख पैतालीस हज़ार रुपये अच्छा खैर हमें इशू नहीं है लेकिन वो सिर्फ मैं प्राइसिस क्यों होने की सिर्फ आपको रीजनिंग दे रहा हूँ आप ये ना महसूस करें कि हम इससे कुछ कमाना चाहते हैं या प्रोफेसर को फ़ायदा लेना चाहते हैं ठीक है तो वो हमने उनको कोई आ, मतलब वो सारे टैक्स वैक्स डाल के दो लाख इकसठ हजार रुपये पाकिस्तानी इमिजिएटली उनको भेज दिए फिर उसके बाद वो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी ड्यूटी लगा देते हैं जब ये आई तो हमें ये कोई फिफ्टी सेवन डॉलर की कॉस्ट की हमने इसकी सिक्सटी डॉलर इसलिए रखी कि तीन डॉलर हम कमाना नहीं चाह रहे वो राउंड करना चाहते हैं नंबर ताकि तो जो भी दोस्बाब इसमें उर्दू के भी कुछ कॉपीज़ हैं और इंग्लिश की भी कॉपीज़ हैं जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं आ, इनके साइन हो जाएंगे प्रोफेसर साहब के उज्जुल दस्ान जी हमारे साथ बैठे हुए हैं ही इज़ सच हम्बल एंड ग्रेट फ्रेंड मैं बहुत uh, सर आपका शुक्रगुजार हूं कि आज अब भी आ, आज भी आप आए इनकी किताबें भी मौजूद हैं और इन्होंने तो कहा कि चूंकि ये वो जो मुझे शायद किताबें मिलती हैं तो मैं इसलिए सिर्फ ये चाहता हूँ कि दोस्त जो पढ़ना चाहें पढ़ लें तो वो बीस डॉलर की सिर्फ हमने यहाँ पे रखी हुई है तो वो भी है और भी बहुत सारे दोस्तों की किताबें हैं अब मैं आप सब की परमिशन से बातचीत का आगाज़ करता हूँ सर आपकी परमिशन से मैं कुछ इंट्रोडक्शन आज की गुफ्तु का रखना चाहता हूँ जिसको हम कहते हैं परिचय कुछ देना चाहता हूँ आज हम क्या बातचीत करना चाहते हैं सर हम पचहत्तर uh, सालों से पाकिस्तान के हवाले से और साउथ एशिया के हवाले से पढ़ भी रहे हैं लिख भी रहे हैं और आप दोनों तो uh, कई दहाइयों से लिख रहे हैं इस पे सोच रहे हैं मैं भी अपनी बसात में कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ मैं आज थोड़े से इस इंटरैक्टिव uh, डिस्कशन में जिनमें हम इन साथियों के क्वेश्चंस भी लेंगे और जल्दी लेना शुरू करेंगे ठीक है ताकि सब इंगेज हों मैं मैं ये सर एक नया एंगल लेना चाहता हूँ कि 76 सिक्स बरसों के बाद ये बात तो तय है कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली और पीछे गया क्योंकि तो जब हम साउथ एशिया पीस की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान और भारत का ही ज़्यादा बड़ा मसला है पहले बांग्लादेश भी था लेकिन बांग्लादेश ने आज़ादी ले लेने के बाद अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट जोन से निकाल लेकिन पाकिस्तान इज स्टिल अप इन दैट सिचुएशन अच्छा मेरा सर आपसे जो पहला सवाल है प्रोफेसर कि आज के जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या कोई सोलूशन का चांस है मुझे तो नजर नहीं आता आप बताइए हमारे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर गोरा जी आज की गुफ्तु मैं समझता हूँ सब कॉन्टिनेंट की आने वाली जो डेस्टनी है उसके लिए ये की क्वेश्चन है कि क्या ये एक जोन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बनेगा जो कि सार्क के चार्टर में सब ने एग्री की थी या ये एक बहुत बड़ा कब्रस्तान बनेगा जो आज से पहले कहीं और नहीं बना क्योंकि चॉइस इसके अलावा और कोई नहीं है तो मैं समझता हूँ कि लगता तो ये है कि जोन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एक रैशनल एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आ, इंटरनेशनल रिलेशंस की दो तीन थेरीज़ हैं कि जब एक स्टेट है वो अपनी रैशनल कैलकुलेशंस कैसे करती है वाइल डीलिंग विद द रेस्ट तो उसके अंदर टॉमस हॉब्स की एक थेरी थी जो इंडिविजुअल से शुरू होती है और वही स्टेट पे जाके अप्लाई होती है अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन नेचर इज अग्रेसिव इट वांट्स टू डोमिनेट एंड इट वांट्स टू बी द फर्स्ट टू अक्वायर ऑल द एसेट्स इन एन एरिया एक एरिया को कैप्चर करने के लिए लेकिन वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में

तो इस सेट ऑफ़ नेचर से निकलने का कोई चांस नहीं है बिकॉज दैट्स योर नेचर मगर वो कहता है कि एक तीसरी सेंस भी है एंड दैट इज़ सेंस ऑफ सर्वाइवल जो मुझे पाकिस्तान की समझ आती है इन्होंने हिंदुस्तान के साथ नफ़रत की बुनियाद पे जो तकसीम करवाई और उसी आइडियोलॉजी को लेकर इन्होंने अपने पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिस्टम को मरतब करने की कोशिश की अपनी इकानमी को उसी बुनियाद पर चलाया आज छिहत्तर साल बाद हमारी इकॉनमी बहुत देर से बैंक्रप्ट हो चुकी हुई है वो तो इतना बड़ा मुल्क है कि अगर ये वाकई दुनिया मान ले कि ये बैंक्रप्ट है तो पूरा दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है इट गेट्स अपसेट अगर ये मुल्क डिसंटेग्रेट हो जाता है तब भी सिस्टमिक डिस्टर्बेंस जो है दुनिया में वो इतनी बड़ी होगी कि द वर्ल्ड कॉन्ड अफोर्ड इट एक मिलियन भी अगर पाकिस्तानी किसी तरीके से वेस्टर्न यूरोप आ जाएं, जहाँ पे पहले से ये जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम इतना बड़ा इशू बन गया है तो उनका तो वेलफेयर सिस्टम क्लेप्स कर जाएगा सो नो बडी एक्चुअली वॉन्ट्स पाकिस्तान टू डिस इंटीग्रेट बट द क्वेश्चन इज कैन वैन योर पोलिटिकल सिस्टम कॉन्ट फंक्शन योर इकोनॉमिक सिस्टम इज़ इन स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसोल्यूशन वॉट इज़ द रैशनल चॉइस सो अगर हम सोचें कि पाकिस्तान भी एक रैशनल एक्टर की तरह सोच सकता है तो उसके पास चॉइस ये है कि लुक फॉर अनादर ऑल्टरनेटिव और स्टेट ऑफ नेचर से रैशनल लोगों ने एक सिविल स्टेट बनाई स्टेट अंडर लॉ तो वो तो ऑलरेडी है इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ में दो तीन चीज़ें हैं नॉन इंटरवेंशन इन द अफेयर्स ऑफ अनदर कंट्री नो लॉन्गर कॉन्क्वेस्ट इज़ अलाउड ऑल दिस इज़ अनलॉफुल जब ये बुश ने इराक पे अटैक किया था तो सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अनान इज़ ऑन रिकॉर्ड सेइंग इज़ इज़ अन तो वो दौर गुजर गया कि अब हमला करके किसी और मुल्क के इलाके को उसके लोगों को आ, अपने वो सबॉर्डिनेट ग़ुलाम बना लें ऑक्यूपाई कर लें इन हालात में अगर पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है इन द स्टेट ऑफ नेचर जो पाकिस्तान की इंटरनल है इट मस्ट रीडिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया मेरे ख़्याल से पाकिस्तान कैन डू वेरी वेल और ये जो प्रोजेक्ट सार्क का था ना कि वी वर्क टुगेदर वी डू ट्रेड हम कल्चरल इनपुट लेंगे एक दूसरे से मैं अभी इंडिया में होके आया हूँ वहाँ की यूनिवर्सिटियों का जवाब ही नहीं है ये जो चंद्रयान तीन है ये कोई एकदम आसमान से नहीं उतरा ये छिहत्तर साल की उनकी पूरी एक कॉन्शस एफर्ट है कि हम सदियों से जब हारते रहे हैं सारा कुछ तो नो मोर वी आर गोइंग टू बी स्ट्रॉग इकनॉमिकली वील हैवे फंक्शनिंग पोलिटिकल सिस्टम और हम दुनिया के अंदर अपना मुकाम बनाएंगे हमने पार्टीशन 47 में करके जो एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट होना था उससे ऑप्ट आउट किया और नाइनटीन में जब इंडिया ने ऑफर किया था ए मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान को तो पाकिस्तान ने वो भी रिजेक्ट किया तो इन 47 सेवन वी ऑप्टेड आउट ऑफ द ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर इंक्लूसिव प्रुलरलिस्ट प्रोजेक्ट जो कि इंडिया की आज़ादी की बुनियाद थी जिसे कांग्रेस के लीडर्स और उन सारों ने जेलें काट के हाँ अपनी जवानी वो गवा के तो जीता था वी वॉन्टेड स्टेट फॉर मुस्लिम्स और वो आपने बना ली उसके बाद अगर आप वाकई एक मिलियन लोगों को मरवा के और पंद्रह मिलियन लोगों को घर से बेघर करके हम मान लेते कि शायद इस किस्म की मुल्क बनते हैं तो आप इंडिया के साथ एजुकेशन में आगे होते आप इंडिया से जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है वो इंडिया से कंपेरेटली बेहतर होती ग़ुरबत का जो आपके इंडिकेटर्स हैं कम होते आपने पाकिस्तान बना के भी अपने अवाम के साथ जो जुल्म किया 47 से पहले क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में थे तो हमने उनके साथ नहीं रहना तो पाकिस्तान बनने के बनने के बाद जब बंगाली मेजॉरिटी में हुए जो मुसलमान थे तो हमने उनके साथ नहीं रहना तो ना हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं ना हम आज के दौर की जो प्लूरलिज्म है कि योर रिलीजन इज़ योर ओन अफेयर हाँ जी नन ऑफ माई प्रॉब्लम हमने वो रिलीजियस आइडियोलॉजी जो है एजुकेशन में भी ले आए हैं उस बट ऑल दैट हैज़ कम टू द रॉक बॉटम तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई एक रैशनैलिटी है बट बाई द वे आई एम नॉट सेग कि ऑल स्टेट्स एक्ट रैशनली ऑलवेज वेन दे आर अगेंस्ट द वॉल आफ्टर ऑल हिटलर जो एक बहुत एडवांस्ड जर्मन नेशन जिसने मोडजार्ड बेथोवन और फल्सवे के सबसे बड़े नाम पैदा किए वो भी एट द लास्ट मोमेंट बिकेम वो क्या कहते हैं यू नो डिसकनिकट विद द रियलिटी और वो एरियन रेस की बुनियाद पर उन्होंने सारी दुनिया को ग़ुलाम बनाने का प्रोजेक्ट किया और तबाही हो गई और पाकिस्तान जिसके पास अपनी वसाइल नहीं हैं इन्होंने गजब हिंद का प्रोजेक्ट बना लिया और बेतहाशा इस किस्म की एक्टिविटीज़ को जिसमें मैं कहता हूँ डिल्यूशनल तो मैं समझता हूँ ये जो नाहेलम है ना सेल्फ डिस्ट्रक्शन आइदर देट इज़ द चॉइस और यू टर्न द कॉर्नर इज होब सेट बिकॉज रीज़न टेल्स अस कि ये जो कोर्स हमने अडॉप्ट किया था ये गलत था हिंदुस्तान के साथ आप नॉर्मल रिलेशन रखें उनके साथ आप ट्रेड ओपन करें सिक्स टी फाइव ईयर्स अबव लोगों को आप आने जाने दें ताकि वो देखें कि यार दूसरा हिंदू सिख मुसलमान इनमें क्या फ़र्क है हम में से सो इट्स ओनली वेन यू लेट पीपल मीट वन एन अदर जिस तरह की हमारी दोस्तियाँ यहाँ पे हुई हैं हाँ जी तो पता ही नहीं लगा कि ये हिंदू है ये मुसलमान है ये सिख है जहाँ पे कॉमन वैल्यूज हैं उसकी बुनियाद पे आपकी दोस्ती होती हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास द ओनस इज ऑन पाकिस्तान इंडिया में मैं हो के आया हूँ उन्होंने कहा भाई साहब आपकी बड़ी नोबल आइडियाज़ हैं कि देर शुड बी पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लेकिन अगर आप हर वक्त टेररिजम हमारे खिलाफ करेंगे अपने निसाब में आप हिंदुओं के खिलाफ और इंडिया के ख़िलाफ़ इतनी नफरत पैदा करेंगे तो किस बुनियाद पर हम आपसे दोस्ती करें सो आई थिंक पाकिस्तान फॉर इट्स ओन सर्वाइवल मस्ट मेक द हार्ड चॉइसिस वो अंग्रेजी में एक कहावत अलबत् है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड लेकिन आई थिंक देर इज़ नो मोर स्कोप फॉर परपैचुएटिंग दैट अमेरिकन बैकिंग होती थी, थी एक ज़माने में दैट्स गॉन सऊदी बैकिंग होती थी जब हम ईरान के साथ टक्कर लेते थे दैट्स कॉन द ओनली पावर विच ऑफ सो यू नो कीप्स गोइंग इज चाइना बट फॉर एवरी वन रुपी द द चाइनीज स्पेंड दे वांट टू इन रिटर्न तो इट्स नॉट दैट लुक्रेटिव सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप तो मेरे अपने सोच के मुताबिक अमन इज डूएल इट्स प्रैक्टिकल ऑल यू नीड टू डू इज टू फॉलो द यू चार्टर विच सेज़ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो मुल्कों की है वो इनवायलेबल है और अगर आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट तो वो पीसफुली रिजोल्व होने चाहिए आसियन वाले जो हैं उन सारे मुल्कों के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं बट देव डिस द वर्स्ट कॉन्टिनेंट जिसके साथ सब ने जुल्म किया वो अफ्रीका Africa है अफ्रीकन वो जो है ए वाले जो हैं उन्होंने भी कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू रीड ड्रॉ द बॉर्डर विच वेरी आर्बिटरी लेफ्ट बाई द ब्रिटिश द फ्रेंच द पॉर्चुगेज एंड द रेस्ट वील एक्सेप्ट दिस एंड वर्क विद इन दैट फ्रेमवर्क ये हमें ही पंगा है कि हम कभी कश्मीर के इशू पर झगड़ा शुरू कर देते हैं कभी कुछ और हिस्ट्री ने ये दो मुल्क बना दिए राइट और रॉन्ग इन्हीं के फ्रेमवर्क में रह के आप बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हैं आई थिंक देर इज़ सच ग्रेट पोटेंशल राजमोहन गांधी जी की किताब है फ्रॉम औरंगजेब टू माउंट बैटन जिसमें लास्ट चैप्टर में उन्होंने कहा है और मेरे दोस्त बैठे हैं नज़ीर चौधरी साहब जो पंजाबी दुख का बड़ा उन्होंने कहा है कि अगर दोनों पंजाब के अंदर नॉर्मल रिलेश हो जाएँ तो इतनी ट्रेड हो सकती है कि विद इन फाइव टेन ईयर्स ये मल्टी बिलियन किस्म की ट्रेड आसानी से वागा और ये अटारी से हो सकती है और पाकिस्तान का ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है हंड्रेड परसेंट प्रोफिट है आप रोड टैक्स लें आप ऑक्ट्रॉय लें आप बाकी लैविज लें लेट इंडियन गुड्स पास ऑल द वे टू सेंट्रल एशिया एंड सेंट्रल एशियन गुड्स कम हेयर द द वांट टू ब्रिंग अ पाइप लाइन विच द वॉन्ट टू गो ऑल द वे टू इंडिया द रशियंस द सेंट्रल एशियड पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री वे फॉर आइडियोलॉजिकल फिक्ड मेक रैशनल इकोनॉमिक कैलकुलेशंस इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप जो है वो भी बड़ा स्ट्रेन्ड है एक दो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए बट देयर ट्रेड हैज गॉन अप फ्रॉम 100 बिलियन टू 137 बिलियन अमेरिकन चाइनीज रिलेशनशिप वेरी स्ट्रेन्ड बट उनकी ट्रेड ने अफेक्ट होती है ते सानू केड़ा ओ पंगा हैगा कि assi eh kar nahi sakde eh tusi mainu samjhao जी सर सर ऐसी पूछਾਂਗੇ अपने व्यूज को लोभी बशानी साहब कश्मीर जहाँ से आपका तल्लक है और उसको बुनियादी वजह बताया जाता है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर भारत में नहीं बताया जाता कि कश्मीर बुनियादी वजह है भारत ये बहुत सारे और फैक्टर्स भी साथ लाता है और भारत के रिडार पे भी अब पाकिस्तान उस तरह नहीं है लेकिन कश्मीर पाकिस्तान का सबसे बड़ा नैरेटिव है सबसे बड़ी आ, जो है एक्सक्यूज़ है कल भी हमने इस पर बड़ी तफसीली बात की लेकिन आप हमेशा एक नया एंगल लेते हैं अगरचे इस मसले पर नया एंगल क्या लेना लेकिन ये बताइए कि अगस्त फिफ्थ टू थाउजेंड नाइनटीन के इंडिया के रेवोकूशन आर्टिकल थ्री सेवेंटी थर्टी फाइव ए के बाद हम ये समझते थे कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि अब वो कश्मीर के मसले को सॉल्व अपनी तरफ से भी कर देगा क्योंकि पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेकर बताया गया था कि ये आर्टिकल्स रेवोकेट हो रहे हैं थ्रू यूएई थ्रू सऊदी अरेबिया कि ये आर्टिकल्स पाकिस्तान ने कहा कि हमें कम से कम ट्वीट तो कर दे दें हम कुछ और अगर ना करें क्योंकि हमने इसी पे ये जो है पूरा झगड़ा खींचा है तो क्यों पाकिस्तान ने ये मौका हाथ से गुमा दिया ये एंगल समझना चाहते हैं हम आपसे थैंक यू वेरी मच जनाब गोरा साहब और वो जो आप लोगों ने ये इतना किस्म का इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया वंस अगेन और उससे ज़्यादा थैंक यू फॉर हमारे लोगों के लिए जो संडे को इतने सवेरे सवेरे इतनी तादाद में आ गए मैं को एक्सपेक्ट कर रहा था दो तीन लोग तो लेकिन हमारे लिए वो भी कोई मसला नहीं चूँकि हम अब बिल्कुल ही कंप्यूटर स्क्रीन के आदि हो गए हैं जहाँ कोई होता ही नहीं फिर भी बैठ के बात करते रहते हैं लेकिन इज़ रियली समथिंग वेरी कि इतनी तादाद में लोग आए इसका मतलब जो बात हम कर रहे हैं उसकी कोई रेलिवेंसी है अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं आप कहते हैं मैं नया एंगल लेके आता हूं। अब मेरा प्रॉब्लम यह है कि वो एंगल खुद बखुद मेरे जहन में आता है मैं ले नहीं आता मसलन ये बात कि जी बरगीर में या अमन या कब्रस्तान इज़ ए मिथ एंड आई डोंट एग्री विद दिस और इससे मैं एग्री इसलिए नहीं करता कि ये एक धमकी है क्लियर किस्म की कि आप हमारे साथ हमारी कंडीशंस पे अमन कायम करें वरना हम इसको कब्रिस्तान बना देंगे ये एक धमकी है और ये धमकी जो है ये फ्लोट होती है उन्हीं जंग बाज़ की तरफ से जो पाकिस्तान की फ़ारन पॉलिसी को हैंडल करते हैं उसके हद बनाते हैं और टाइम टू टाइम उसकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक नारा लेके आते हैं जैसे ये है अब इसी तरह कश्मीर फिफ्थ क्लास में था तो मैंने सुनना शुरू कर दिया था कि जी बर में अमन का सवाल मसला कश्मीर से जुड़ा है इज ऑलमोस्ट लाइक फोर्टी ईयर्स कितना अरसा हो गया हुआ है ये बात सुनते हुए और जब तक ये मसला हल नहीं होता उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता हालांकि इस दौरान कई दफ़ा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन क़ायम हुआ और मसला कश्मीर वहीं का वहीं पे था इसमें वो आरंदती राय वाली बात मुझे बार बार याद आती है कि उसके बाद ये अलग बात है कि उस मसले को फिर पटारी से निकाल के आप टेबल पे रख दें फार एग्ज़ाम्पल आप शिमला को देख लें कि जो मोस्ट क्रिटिकल टाइम था इंडिया पाकिस्तान पीस प्रोसेस की हिस्ट्री में उसमें उन्होंने शिमला कर लिया था तमाम मामला हल कर दिए थे और मसला कश्मीर एक तरीके से दे पुट इट साइड कि ये अप, अपनी जगह मौजूद मौजूदा हम इस पर बात करते रहेंगे लेकिन फिलहाल जो है वो पीस हमारी ज़रूरत हम ये करते हैं ये मैं समझता हूँ कि जो वार फोर्सेस हैं अक्रॉस द बार्डर स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान उन्होंने ये तीन चार मिथ जो हैं वो क्रिएट किए हुए हैं लेकिन जब वो इस पॉइंट पे आते हैं कि लेट्स आए जी चलें, मसला कश्मीर पे बात करते हैं इसको हल करते हैं तो उस पे फिर जो है वो एकदम बैकआउट कर जाते हैं और उनका ये मसला नहीं रहता मसला आजकल ये थ्योरी फ्लोट हो रही है जी कि अगर पाकिस्तान में डिफॉल्ट डिकलेर हो गया तो ह्यूमन क्राइसिस आएंगे तो ह्यूमन क्राइसिस आ गए तो यूरोप किधर जाएगा सब लोग जर्मनी पहुंच जाएंगे तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करेंगे जैसे प्रोफेसर साहब ने भी इशारा किया था तो ये एक धमकी है यूरोप को कि आप हमारी जो है वो मदद करें हमारी टर्म्स और कंडीशंस पे हमने नहीं बदलना वी डोंट वॉन्ट टू चेंज बट यू हैव टू कम टू ओवरटम्स अगर नहीं तो हम दो मिलियन आदमी भेज देंगे फिर देखते हैं आप किधर जाएंगे हमारे पास जी न्यूक्लियर हथियार है तो ये मुल्क टूट गया तो ये चीज दहशत गर्दों के हाथों लग जाएगा पहले कौन से पुरमन लोगों के हाथों में है वो सवाल तो ये है कि वो कौन सा दहशतगर्द होगा जो इससे बड़े दहशतगर्दों से बड़ा दहशतगर्द होगा तो आप कहते हैं मैं नई बात कर रहा हूँ वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पुरानी बातों ने हमारा दिमाग जो है उस पर इतना तशाद कर दिया है और हमारी रूह पे इतने ज़ख्म लगा दिए हैं कि अब हम उसको सुनने के भी रवादार नहीं स्वायस के कि हमें दोस्तों की महफलू में या कहीं उसको सुनना पड़ता है वरना वी डोंट वांट टू लिसन चूँकि एकाइक जो हैं वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो के जो है वो बाहर आ गए हैं अब आप कहते हैं जी अमन कायम कर रहे हैं तो जाहिर है कि मैं मुझे तो ये कहना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में अमन कायम नहीं होगा आप पाकिस्तान के गुज्तर दस पंद्रह साल की प्रैक्टिस देखें जो रियल पाकिस्तान में क्वेश्चन ऑफ पीस एंड वार को डील करने की पोजीशन में जो कोवते हैं जिनको आप एस्टेब्लिशमेंट कहें या पाकिस्तान मिलिट्री कहें या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कहें या इंटेलिजेंसिया कहें गुज्तर दस पंद्रह सालों से उन्होंने कहा जी हम एक नया पैराडाइम ले कर आए हैं और हम इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि हमारी ये पॉलिसी गलत थी आ, मसला है कश्मीर हो या पीस के इशू के हवाले से तो हमारी दुश्मनी हिंदुस्तान के साथ नहीं बल्कि विदन कंट्री जो है जो फोर्स हैं दहशत गर्द हैं या अफ़गानिस्तान या इस तरह की चीज़ों पर तो उसमें आपने देखा कि एक इतनी मोस्ट हाईली सोफिस्टिकेटेड डिसिप्लिन किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ थे उनकी तरफ से ये नया पैराडाइम फ्लोट किया जाता रहा जिसको आपके सवाल की तरफ आता है फ़िफ ऑफ अगस्त टू थाउजेंड नाइन्टीन उसी पैराडाइम की रोशनी में इन्होंने 2019 का जो फिफ्थ ऑफ अगस्त का मोदी साहब का इवेंट था जिसको मैं एक अर्थ शेकिंग या मूविंग इवेंट कहता हूँ कश्मीर इशू पे उसके जवाब में बिल्कुल एक म्यूटेड किस्म की पोजिशन इख्तियार की एक लफ्ज़ तक नहीं कहा बल्कि उसके बरक्स उन्होंने जाके कश्मीर में मुजफ्फराबाद कैपिटल सिटी ऑफ जो है पाकिस्तान के जेर इंतज़ाम कश्मीर उसमें जाके लोगों को समझाया कि आप कोई जलसा जुलूस ना करें कोई मार्चें ना करें चूँकि ये जो है पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी चैलेंज है इसको बहाना बना के तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को पे हमला कर सकता है कि हम कश्मीर कश्मीर करते करते पाकिस्तान से भी जा जा, जा, चले जाएंगे, ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज थे बिल्कुल एग्जैक्टली कामा फुल स्टाफ समेत तो वो पैराडाइम आके जो ही एक चीफ़ बदलता है तो एकदम वापस जो है एक नए पैराडाइम में बदल जाता है कि नहीं जी आज के बाद फिर वाहम वही दुआएँ और बद दवाएँ चलेंगी मस्जिदों में हम वही आयतें पढ़ पढ़ के साबित करेंगे कि जहाज जो है दैट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट और जहाज के बगैर कोई चारा नहीं और कश्मीर लिए बगैर हम जो है ए, किसी चीज़ पे राज़ी नहीं होंगे अब चलें हम इस बात पे भी आ जाते हैं जी कश्मीर ले लें लेकिन टर्म्स और कंडीशन क्या होंगी एक सेंटेंस है जनाब जम्मू कश्मीर के मसले का हल अव मतदा की क्रारदादों की रोशनी में वहाँ पर इस तस्वाब राय करा के तो अवाम की मर्ज़ी से हल किया जाए यानी इतना एक प्रिंसिपल्ड किस्म का एक स्टैंड है कि जिस पर कोई क्रिटिसम करें कि हिम्मत कैसे करे कि अकवा मतदा की क्रारदादें भी हैं वेल रेकग्नाइज राइट टू तो सेल्फ़ डिटर्मिनेशन की बात भी बीच में हो गई कि उसकी रोशनी में और पीपल्स विल भी हो गई कि जी कश्मीरियों की मर्ज़ी तो इस पर फिर कोई एतराज़ कैसे करेगा ये पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंड है जिसको लेके वो कहते हैं मसला कश्मीर का हाल ये है कि अकवा मतदा की करारदादें अकॉर्डिंग टू द रट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल और कश्मीरी अवाम की राय के मुताबिक तीनों चीज़ें जो हैं अगर आप देखें करारदा पे मैंने कल कल बात की थी मेरे ख्याल में सब लोग यहाँ मौजूद थे दोबारा करने का फ़ायदा नहीं लेकिन एक सेंटेंस में कि वो एक जो है एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई लीगल इंटरनेशनल लॉ में ना हैसियत है ना प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ना कोई मोरालिटी के किसी स्टैंडर्ड पे किसी भी तरीके से उन करारा दूँ कि कोई इम्प्लीमेंटेशन का कोई तस्वर मौजूद है रास सवाल राइट ऑफ़ सेल्फ डिटर्मिनेशन का सवाल तो पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर हैं वो इस तस्वर को भी यूनाइटेड नेशन में लेते हैं और यूनाइटेड नेशन के आप जाके चपरासी से पूछें चपरासी होता नहीं तो वहाँ का जो लोएस्ट आदमी है उससे पूछें कि भाई ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का क्या चक्कर है तो वो भी आपको बताएगा कि ये सिक्सटीज़ का डी के दौर का एक प्रिंसिपल है जिस वक्त ओवरसीज़ कॉलोनीज़ को डी कॉलोनीलाइज किया जा रहा था तो ये प्रिंसिपल अप्लाई होता था कि इसकी रोशनी में काम है अपनी आज़ादी की बात करें ये जो है ये इस तरीके से इसकी जो एप्लीकेशन है इसकी एक बैकग्राउंड है तो अगर आप ये अप्लाई किसी भी उस पर करना चाहते थे जो आपने किया हिस्टोरिकली तो इसकी पहली शर्त ये थी कि अनकंडीशनल था कि मसलन हिंदुस्तान को अनकंडीशनली उन्होंने आज़ादी जो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की रोशनी में दी उस पर अगर वो शर्त रखते कि हिंदुस्तान राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो अप्लाई कर सकता है लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो जनाब ताज बरतानिया का हमेशा वफ़ादार रहेगा तो फिर वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो नहीं हो गया ना उर्दो तो उसकी नफी हो गई अब पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिंग है अपने जेर इंतज़ाम कश्मीर में उसकी पहली शिक ही यही है सबसे जो मोटी शीक है कि कश्मीर के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर से मराद यहाँ की पाकिस्तान जेर इंसाम कश्मीर में कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ना रजिस्टर हो सकती है ना एक्टिविटी कर सकती है जब तक वो टू नेशन थ्योरी और कश्मीर के एक्सेशन टू पाकिस्तान पे बिलीव नहीं करती जिसका मतलब ये है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को उन्होंने उसके एक्सरसाइज से बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूशनरी और लीगली पाबंद कर दिया है कि कश्मीरी अवाम के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि अगर आप ट्रू नेशन थ्योरी पे बिलीव नहीं करते आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते आप पार्टी रजिस्टर नहीं कर सकते आप सरकारी मुलाजमतों में नहीं जा सकते आप कोई भी सोशो इकनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं उठा सकते तो इससे बड़ी नफ़ी इस तरफ जो उनके ऑलरेडी इख्तियार में है जहाँ पर अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन अप्लाई करने का रहा सवाल जम्मू कश्मीर का तो उसमें उन्होंने शर्त ये रखी है और ये आप यू की जिसको वो बहुत मुकदस बना के देखते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स में भी देखें कि उन्होंने शर्त रखी है कि कश्मीरी अवाम के पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं इंडिया और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोग उस पार जो इंडियन जम्मू कश्मीर है दो ऑप्शन दिए जाएँ कि या वो पाकिस्तान का हिस्सा बने या जो है वो इंडिया का हिस्सा बने कोई तीसरा ऑप्शन नहीं अब उसका जो डेमोग्राफिक है वहाँ की उसमें जो है वो बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं जिसमें हम प्रोविंस ऑफ जम्मू जो है उसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हिंदू है प्रोविंस ऑफ कश्मीर में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो मुसलमान हैं फिर छोटे छोटे ग्रुप जो हैं लद्दाख में ओवरवेलमिंग जो है वो बुद्धिस्ट हैं इस तरह सिख हैं दूसरे जो है वो छोटे छोटे, छोटे रिलीजन हैं उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उनको नज़र नहीं आता कि भाई उनका राइट एक जम्मू के हिंदू का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो ये नहीं बनता ना कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान या लद्दाख के बुद्धिस्ट का जिसको आप जो है वो कश्मीर के मुसलमान की रोशनी में देखना चाहते हैं कि यहाँ पे रेफरेंडम होगा तो चूँकि मुस्लिम अक्सरीत है इसलिए अक्सरीत के ज़ोर पर हम ये जो हिंदू हैं और बुद्धिस्ट हैं इनको भी अपने साथ समेट के पाकिस्तान में ले जाएंगे और उनके साथ वही अशर करेंगे जो हमने उनके साथ बंगाल में किया सिंध में किया या आज ये कहाँ पे ये अभी क्रिश्चियंस के साथ जो है वो जो छोटा गांव था अभी रिसेंट क्या नाम है जड़ों वाला।, वाला।, वाला में किया वही पहले उनको लेके आएंगे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का लारा देके पाकिस्तान के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसने क्यों कहा था कि हम पाकिस्तान की हमायत करते हैं विच वॉज ए फुल्थ लेकिन क्यों कहा था आर्ग्यूमेंट उनका यही था कि जी ये कामों का राइट टू तो सेल्फ डिटर्मिनेशन है जिसकी रोशनी में पाकिस्तान बन रहा है यानी दूर की कोड़ी लाने वाला जो मुहावरा है उसको अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में जो सौ से ज़्यादा कामियतें और नेशनलिटीज़ हैं वो उनको नज़र नहीं आई लेकिन इस्लाम के नाम पर एक जत्था जो है जिसने लोगों को यरमाल बनाने की साजिश तैयार की उसके अंदर उनको झलक नजर आ गई राइट टू तो सेल्फ डिटर्मिनेशन की और एग्जैक्टली सेम थिंग जो है दे आर रिपीटिंग इन द स्टेट ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर के वो लोगों को यहमाल बनाने के लिए राइट ऑफ सेल्फ इंफर्मेशन उसके बाद आ गया जी तीसरा बड़ा प्रिंसिपल जी पीपल्स बिल के जी कश्मीर के अवाम की मर्ज़ी लेकिन उस मर्ज़ी में वही मर्जी होगी जो हमने पहले से सेट की हुई है कि पाकिस्तान या इंडिया में से इसका मतलब ये नहीं कि मैं ख़ुद मुख्तारी की वकालत कर रहा हूँ हालांकि मैं बुनियादी तौर पे कामों और कामियतों की जो आटोनोमस जो उनका स्टेटस है और उनका अपना हक मलकियत है और हक हुक्मरानी है उसका मैं अनकंडीशनली हामी हूँ ख़्वा वो दुनिया की कोई काम और कामियत हो उसका अपने वसायल पर जो हक मलकियत है और जो हके हुक्मरानी है वो अनचैलेंजेबल है अब भी इस किस्म के जो है वो फ़लसफ़े ले आएँ कुरान शरीफ ले आएँ फ़लासफ़र के कॉल ले आएँ लेकिन इस हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते अगर आप इस हकीकत से इनकार करते हैं तो यू आर डिन राइट ऑफ़ इंटाइटलमेंट एंड राइट टू रूल यूर सेल्फ जो कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडर्न थिंकिंग जो है उसमें आता है तो कश्मीरियों को आप कैसे पाबंद कर सकते हैं कि भाई साहब उन्नीस में हमने एक करारदाद बना ली थी कि आप या यहाँ होंगे या वहाँ होंगे तो आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो ये हम काम करेंगे तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया पिंडोरा बास खोलेंगे जिसमें के 1947 की तरह सख्त किस्म की जो है वो खून खराबा कत्लोक कारत गरी जैसा कि मैंने डेमोग्राफी आपको बताई कि किस तरीके से लोग वहाँ पर मुख्तलिफ मजाइ जैसे हम यहाँ इस वक्त लोग बैठे हुए हैं इससे भी कहीं ज़्यादा डाइवर्सीफाइड पापोलेशन है, डाइवर्सी है जम्मू कश्मीर में तो उसमें कोई इंडिया की तरफ डिसप्लेस होगा कोई पाकिस्तान की तरफ होगा ये खून खराबा और इनकी अहलीय का हमें पता है कि इनकी अहलियत प्रैक्टिकल ये है कि ये जड़ों वाला में दस लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा इशू खोल के तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली बगैर खून ख़राबे के कंट्रोल कर लेंगे तो इसलिए ये सब फेक किस्म का तस्वरत हैं ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यू एन रेजोलूशन पीपल्स विल ऑफ द तो पीपल ऑफ़ कश्मीर ये सब धोखे हैं ये सब फ्रॉड हैं असल मसला ये है कि पूरे बरग़ी के अंदर अमन जो है वो ज़रूरी है और इज़ अनकंडीशनल ये अमन जो है वो को पाकिस्तान की बार मोंगर्स फोर्स को खुश करने के लिए अमन ज़रूरी नहीं अमन वहाँ के अवाम के लिए ज़रूरी है और अमन अनकंडीशनल होना ज़रूरी है वरना वो बैलेंस ऑफ टैरर है कि आप लोगों को डरा के खामोश करा देते हैं कि ठीक है जी अमन हो गया आपने बात की तो गोली मार देंगे या लाठी मार देंगे तो इस रेफरेंस में मैं जो समझा हूँ सारी मैं बात लंबी हमेशा कर लेता हूँ तो वो ये है कि ये जो पीस है इसको कुछ लोगों ने यगमाल बनाया हुआ है और अब वो उसको बतौर थ्रेट यूज़ कर रहे हैं खुद इंडियन सब कॉन्टीनेंट के अंदर भी और इंटरनेशनली भी ताकि बाकी फोर्सेस को वो अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे ला सकें लेकिन अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं लाएंगे अपने अंदर किसी किस्म की तब्दीली यहाँ बड़े बड़े दानश्वर बैठे हुए हैं राइट right फ्रॉम 1947 एक मुझे बता दें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में जो फंडामेंटल चेंज आई हो ये चेंज नहीं कि अमेरिका ने ख़ुद ही आपको धुतकार दिया हो या सऊदी अरब ने आपको जवाब दे दिया हो या चीन आपसे तंग आ गया हो तो आपने रास्ते मोड़ दिए हों लेकिन फॉरेन पॉलिसी में एक डेलीब्रेट एक थाटफुल किस्म की चेंज अगर किसी के नोटिस में है तो मुझे बताए तो हम उस पर तो उसमें जो फ़ॉरन पॉलिसी में कोई तब्दीली आज तक जो फ़ारन पॉलिसी की तब्दीली जिसको कहते हैं वो अगर आई है तो वो मेरे नोटिस में नहीं है चूँकि पाकिस्तान जो कहता है कि हमारा कोर इशू और असल डिस्प्यूट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है और उसका हल 1947 फोटी सेवन एंड एट की वही करारदाते हैं जो कम्प्लीटली जो है वो इिलिवेंट हो चुकी हैं तो पॉलिसी में अगर कोई चेंज है तो आप मुझे बता दें कहाँ लिखी हुई है किस डॉक्यूमेंट पे अपीयर हुई है या किस फोरम पे जो है वो डिस्कस हुई है तो इसी पे मैं जी जो है, जी जी ठीक है हम देखिए मैं नहीं चाहता कि हमारे फ्लोर पे मसला कश्मीर पैदा हो आ, हम हमारी आ, इस फ्लोर से यही दरख्वास्त है कि आप अपना प्रिसाइज मुख्तसर क्वेश्चन कीजिएगा सबको हम मौका देंगे लेकिन आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं तो मुख्तसर कमेंट करिए ताकि मैं फ्लोर मैंता हूँ कि कल भी मैंने बशहानी साहब के साथ शेयर किया ये प्लेटफॉर्म महल बाई नेचर ये प्रवॉक करते हैं और बजाय के एक डायलॉग के और एक समझ के साथ बात करने के ही इज़ ट्राइंग टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स मुझे आज ये पूरी डिस्कशन में समझ नहीं आई कि व्हाट इज द बॉटम लाइन व्हाट आर यू ट्राइंग टू से हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को मनवाने के लिए आए हुए हैं कि जी या तो जंग होगी या हमारी बात मान लें। लेकिन बात मनवा हूँ मैं तो पाकिस्तान से मनवा रहा हूँ कि गिव अप द कश्मीर इशू इज नो इशू एट ऑल लेट द लाइन ऑफ कंट्रोल बी द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड मेक इट ओपन एंड बी देन ओपन द बॉर्डर इन सिंध एंड पंजाब सो माई पोजिशन इज नॉट वॉट ही यहाँ पे बैठ के हम लोग जो है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को एज ए थ्रेड दे रहे हैं the, वो क्या कहते हैं जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं यू सी द थ्री जून पार्टी प्लान एंड द एटीन जुलाई 1947 फोटी सेवन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अप्लाइड टू दार्टीशन ओनली ऑफ

और वो ले के अपने कुत्ते कराची आ गया और थर्टीन सितंबर को पाकिस्तान की उसकी एक सेशन जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली इधर कश्मीर के अंदर इन्होंने मैंने लास्ट कल भी बताया था कि अगस्त सितंबर जून से अगस्त में पुंछ के अंदर ये अपना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बदमाशों ने ये शुरू किया उसके बाद मुजफ्फराबाद में और मीरपुर पे हिंदुओं और सिखों को बहुत हज़ारों को मारा गया और तब जम्मू तो ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर को जब पाकिस्तान के ये सो so कॉल्ड मुजाहिदीन गए हैं तब जब ये हमला करते गए हैं तो महाराजा एक्सीडेड टू इंडिया दैट्स द रिकॉर्ड लेकिन वहाँ पे जब ये तो इंडिया की गलती आप कह लें माउंट बैटन ने उन्होंने कहा कि इसको यू के अंदर ले जाएं। हमने कलात के अंदर जब मिलिट्री एक्शन किया है तो इट वॉज नॉट टेकन टू द यू तो ये तो ब्रिटिश रिकमेंडेशन पे वो वहाँ लेके गए हैं और वहाँ पे जो कमिटमेंट है उस पर कोई मुझे इतराज़ नहीं है इट्स ऑल नोन के वो जो रेजोलूशन हैं वो वो चैप्टर सिक्स में है वंस अगेन ही इज़ राइट एंड नथिंग न्यू अबाउट इट कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जो बनाया ना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उसके अंदर वो हाउ हाउ डू दे डिफ़ाइन अ नेशनैलिटी दे डिफाइन सिंधी बंगाली गुजराती मराठी ऑल दीज आर लिंगनेलिटीज बट वेन दे कम टू मुस्लिम तो वो कहते हैं नेशनलिटी एंड ओपरेस्ट नेशनलिटी, तो ये कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की हरामजदी जो है उसके बाद ये लेफ्ट की तरफ से एक टू ने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बट आई नवर बीन सपोर्टर ऑफ देट सो आई डोंट अंडरस्टैंडिबल फॉर द स्ट्योरिटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और द पॉलिस पाकिस्तान मैं तो यहाँ खड़ा होकर पाकिस्तान की इस बेवकूफ़ाना पॉलिसी को कंडेम कर रहा हूँ मैं इशाक साहब आपकी पर मैं मॉडल मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ मैं मॉडरेटर की हैसियत से ये समझता हूँ मेरा ये ख्याल है कि बशानी साहब जो कह रहे हैं वो आप पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे वो एक जनरल सिचुएशन को बयान कर रहे हैं अच्छा चलिए वो आपकी ओपिनियन है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और बशानी साहब की जो ओपिनियन है आ, उसकी भी हम टोटल रिस्पेक्ट करते हैं बशानी साहब इससे पहले कि हम फ्लोर पे जाएं क्वेश्चंस के लिए आप क्विक प्रोफेसर साहब को ये क्लैरिफाई कि पहली बात ये है कि मैं कोई प्रोफेसर साहब के स्टैंड पे बात नहीं कर रहा ये राइट फ्रॉम 1947 से पाकिस्तान की वार मॉन्गल्स फोर्स के स्टैंड की बात कर रहा हूँ कि वो मसला कश्मीर को एज़ ए टूल यूज़ कर रहे हैं जिसको बाज मैंने एक्सटारशन भी कहा बहुत सारे मामल में इसको एज ए एक्स्ट्रशन भी उन्होंने यूज़ किया और जब तक हम ये दो चीज़ें अलग नहीं करते कि बर सगीर में पीस का प्रोसेस जो है उसका और मसला कश्मीर को अलग अलग करके डील किया जा सकता है उस वक्त तक हम वही वार मोंगर्स की जो है पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे पहली बात ये है दूसरी बात यह है प्रोफेसर साहब पर्सनली मैं आपको दोबारा ये क्लैरिफाई करता हूँ कि इस मैं आपकी ज़ात के असीद से इस पे बात नहीं कर रहा क्योंकि आपका बड़ा वर्क है हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसका ताल्लुक पूरी एक पॉलिसी के साथ है उसमें तो आपसे मैं लेकिन तो हमारा तो जो एक फर्क एक है वो जी बिल्कुल इस तरीके से समाप्त करूंगा कि पीस जो है उसको मशरूत और यरगमाल ना बनाया जाए मैं खुद कश्मीरी हूँ और मैं कश्मीर के हवाले से बहुत सेंसिटिव हूँ जानना में जब तक कश्मीर ये हमारी टर्म्स पे हल नहीं होता आगे शर्त ये है कि ये अकॉर्डिंग टू द यूएन रेजोल्यूशन हल नहीं होता उस वक्त तक जी कोई पीस का परास कोई नहीं है और इसकी वजह से यहाँ पे बड़ी तबाही फैलेगी कोई तबाही नहीं फैलेगी इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डिस्टेंस दे चुका है पाकिस्तान को दे आर ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड डिवेलपमेंट ये पीछे से लूजर की जो बोलियां होती हैं तो भाई फैलेगी मार देंगे रोक देंगे ये इसका कोई मकसद नहीं है आप लोग जरा होश के नागन लें ये बात करते करते सेवेंटी फाइव ईयर्स में अब लोग कहते हैं जी इंडिया चांद पे चला गया हम कहाँ हैं भाई आपका रुख ही नीचे की तरफ है या डायरेक्ट ऊपर अल्लाह की तरफ है चांद से भी ऊपर जी बच्चे जाहिर है चांद की तरफ तो आप जा नहीं सकते अब इसकी वजह से आप ये बात याद रखें कि आप ना इंडिया को रोक सकते हैं ना आप जो है किसी भी तरीके से कोई रास्ते में रुकावट बन सकते हैं तो इसलिए बेहतर यह है कि आप अमन की बात करें अनकंडीशनल जाके टेबल पे बैठ के बात करें उसमें कश्मीर समेत तमाम मसायल जो हैं उनका हल निकलेगा और यही एक रास्ता है जी बशाइ साहब बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया मैं ये समझता हूँ कि अगर पैनलिस्ट एक पेज पे हों वो भी ठीक है ना भी एक पेज पे हों वो भी ठीक है यही यही और कुछ चीज़ों पे हम ऑन पेज वन पेज होते हैं एक, एक तो जी एक जुमला सिर्फ आपको एक कीजिए मैं अभी तो बहुत सारी बातें करनी है जी, कर रहा। जी, तो अगर ले। पीस की बात है जी तो क्या इंडिया की पोजिशन यही है कि हम पीस या कश्मीर जो है वो तो कहते हैं पूरे पाकिस्तान वाला कश्मीर भी हमारा है तो आई एम सेंग बोथ आर नॉट डूएबल इंडिया का भी जो लॉबी है जो एक अग्रेसिव लॉबी है उसकी ये पोजीशन नहीं है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को मान लो मैं आरएसएस से मिलकर आया हूँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्डनरी पीपल उनके हाई अप से मैंने कहा यू ऑलरेडी हैव सो मैनी प्रॉब्लम डू यू वॉन्ट मोर दे ऑल स्माइल दे अंडरस्टैंड तो मैं कहता हूँ ये जो मैक्मल पोजिशन है ना ये अपनी जगह सेल्फ डिफीटिंग है अमन यही है जो हिस्ट्री ने डिसाइड कर दिया है और इस बॉर्डर को बेमायने कर दो तो बात ख़त्म हो जाती है कश्मीर कश्मीर ही रहेगा पंजाब पंजाब ही रहेगा ये जो लाइनें ड्राई हुई थी 47 में वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएंगी जैसा यूरोप यूनियन में हुई हैं ये मैं कह रहा हूँ जी बहुत बहुत अच्छी बातचीत जी अब मैं फ्लोर की तरफ आ रहा हूँ नजीर कहोर साहब सवाल मेरा सवाल बेसिकली साहब से है जी मैं आपकी करेक्शन कर देता हूँ सर नेहरू आपको पता है पाकिस्तान बनने के बाद कितनी बार आ, पाकिस्तान गए शिमला मोहदा हुआ उसमें क्या लिखा हुआ है? कश्मीर को तस्लीम किया इंदिरा गांधी ने हुआ कि इस मसले को हल करना है वाजपेयी जी गए पाकिस्तान गए मोदी जी गए नवाज़ शरीफ के उसकी नवासी की शादी में गए बैकडोर चैनल पर डिप्लोमेसी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान 24 घंटे हॉट लाइन चलती है जनरल ये जो फ़ैज़ हमीद अभी रिटायर हुआ है और अजीत दोवल दुबई में चार दफ़ा के पांच दफ़ा मीटिंग्स कर चुके हैं ऐसा कोई नहीं है कि ये मुल्क को पागलों पागल चला रहे हैं पाकिस्तान को या इंडिया को ये बड़े समझदार लोग हैं समझते हैं कश्मीर फ्लैश पॉइंट बिल्कुल नहीं है मसले कुछ और हैं फ़ॉन एलिमेंट्स फ़ॉरन पावर्स इन्वॉल्व हैं ताकि दोनों मुल्कों में लगा रहे। और ये क्वेश्चन ये है मेरी दरख्वास्त है जी सर कि थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात भी कर सकते असल क्वेश्चन ये है बाकी तो तबसरा है आप प्यार मोहब्बत पे बता दीजिए बिल्कुल जनाब आपकी बात बिल्कुल मैं सोफ़ीसद इतवा करता कि प्यार मोहब्बत की बात होनी चाहिए लेकिन इसी के अंदर जो लिपटा हुआ ज़हर है प्यार मोहब्बत के अंदर जैसा कि आपने खुद कहा कि हम यहाँ पे इंडियन हैं पाकिस्तानी हैं साउथ एशियन हैं तो हम ऐसी को बीच वाली बात करें जो किसी की समझ में ही ना आए पकड़ और जो हमारा राइट ऑफ जो है वो एक्सप्रेशन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसको भी सलभ करें ये जो बात मैं कर रहा हूँ जिसके बारे में आपने तीन लफ्ज़ इस्तेमाल किए करेक्शन फॉर एक्जाम्पल आपने मेरी की देर इज नथिंग टू बी करक्टेड दिस इज़ माई ओपिनियन एंड आई एम इंटाइटल टू दैट ओपिनियन एज ए कनेडियन दैट इज़ माई फर्स्ट थिंग और ये बात नहीं कि मेरे को कनेडियन बन के अचानक मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दौरा पड़ गया मैं इससे ज़्यादा जो है वोकल था बैक होम अलग बात है कि उसकी वजह से फिर आप जैसे मेहरबानों ने मेरे साथ जो सलूक किया दैट इज़ अनदर स्टोरी लेकिन उस चीज़ को हम यहाँ नहीं ले आना चाहते कि आप यहाँ बैठ के फिर हमें खामोश कराएं कि नो 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 दिस इज़ हेट स्पीच या दिस इज़ नाट करैक्ट या आपको मैं जो है वो तो ये जो आपने मिसालें दी जिन लोगों की ये पॉलिसी की हैं कि वो लोग कोशें कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान को कर सकें मैंने बात यह की थी कि क्या जो बुनियादी पॉलिसी है उसमें कोई जो है तब्दीली कहीं डॉक्यूमेंट हुई है या किसी तरीके से अवाम के सामने पेश हुई है कि जी ये है हमारी पॉलिसी नहीं जिस तरह मैंने पैराडाइम की मिसाल दी थी कि मिलीटरी चीफ ने कहा कि हमारा पैराडाइम बदल गया लेकिन जो जूँ चीफ बदला तो साथ में वो पैराडाइम भी बदल गया मेरे कहने का मतलब ये बाकी वी आर फॉर पीस और पीस और बैलेंस ऑफ टेरर में फ़र्क है मैं यही बात कह रहा हूँ ये आप बैलेंस ऑफ टेरर कायम करने की बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो अंदर ही अंदर जो है वो वहीं पर रहें जो दुश्मनियाँ हैं जो नफरतें हैं वो वहीं पर वहीं रहें और बाहर से हम प्रीटेंट करें कि इंडिया पाकिस्तान का अमन कायम हो गया है जी दोनों के दरमियान डेलीगेशन आते जाते हैं तजारत हो रही है इस तरह इंडिया और चाइना के दरमियान जो तजारत हो रही है वो आपके दरमियान कभी नहीं होगी चूँकि आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है लेकिन क्या इंडिया और पाकिस्तान चाइना के दरमियान कोई अमन और मोहब्बत जो है उसकी वो शक्ल है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये बात जी जी बहुत बहुत अच्छी जी आसिफ जावेद साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मैं आपको मेरा नाम आसिफ जावेद है और मैं एक मामूली दर्जे का लिखारी कलमकार वट सोशल एंड एक्टिविस्ट हूँ सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद शुक्रिया जी। आपने इतवार की सुब, सुब जो है आपको मुबारकबाद है आप आए। एक सवाल कीजिए शानदार कॉफ़ी और समोसे का आपने इंतज़ाम किया और हमें मौका दिया कि कुछ थाट प्रोवोकिंग सब्सटेंस जो है वो उससे हम लुफानंदोज हों समझें शुक्रिया मैं दोनों पैनलिस्ट से मेरा सवाल नहीं है सिर्फ एक दरख्वास्त है तो और मेरा ये भी मानना है कि अगर कोई भी तब्दीली आएगी तो वो पहले सोच में तब्दीली से आएगी जब थाट प्रोसेस चेंज होगा तो फिर बाकी चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी मैं इन दोनों दानश्वरों से दरख्वास्त करूँगा कि हमें भी हमें जो सोशल मीडिया पर लिखने वाले लोग हैं हमें कुछ डायरेक्शन दें कुछ टिप्स दें कि जी हम ऐसा क्या क्या कुछ लोगों को लोगों की तोज्जा डाइवर्ट करें कि लोग, लोगों के लिए ये, जो अमन खुशहाली और इंसानी हकूक़ और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें हासिल करना जो है वो उनका फर्स्ट प्राइम ऑब्जेक्ट बन जाए बजाय इसके कि वो इस्लाम और जहाज की तरफ भागें तो सिर्फ हम मैं चाहता ही हूँ कि इस मौके पर कुछ थोड़ी सी डायरेक्शन जो है वो दी जाए जी ये सवाल है, है। तो डायरेक्शन दी जाए लेकिन मेरा ख्याल है इस पे आसिफ साहब अगर हम एंड पे कंक्लूड कर सके बात तो आपकी तो मेरा, मेरा इसके अलावा कोई सवाल नहीं क्योंकि आपका सवाल तो है नहीं तो तो आपकी तो 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 सजेशन तो है ठीक है बहुत अच्छी बात है वो पीछे एक हाथ जी खड़ा है मेरी गुजारिश है कि एक को एक सवाल कीजिए जो भी करना चाहे मेरा सवाल हामिद वसानी साहब से है तो प्यार मोहब्बत की बात हो रही है तो जब प्यार मोहब्बत से अब जो जम्मू एंड कश्मीर का जो पुराना नक्शा था जो 1947 से पहले भारत भारत जब प्यार मोहब्बत से उस पी को भी इस जम्मू कश्मीर में मिला लेगा तो ऐसा क्या तीन चीज आप सोचते हैं कि भारत को करना चाहिए जो प्रायोरिटी बेसिस पे होनी चाहिए प्यार मोहब्बत के साथ तो आप दुनिया में जो काम करना चाहें जैसे कि आपने कहा कि अगर भारत प्यार हो महब्बत से ही कर लेगा तो मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई शख्स सुए हेड मांगर के कोई उसकी जो है वो मुखालफत करेगा या उसे मुखालफत करनी चाहिए यही असल बात है और ये आपने सही पॉइंट पकड़ा है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जबर और ताकत के इस्तेमाल के जरिए और मैनीपोलेशन के ज़रिए और ये फ्राजुलेंट किस्म के इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए लोगों की ओपिनियन को इस तरीके से मैनिपुलेट करके तो उसको कहीं शामिल करेंगे तो पाकिस्तान भी तो बन गया था एक वक्त में पाकिस्तान में जो ओपिनियन वसी पैमाने पे, पे मैनिपुलेट होके तो पाकिस्तान बना ना ऐसा ही तो नहीं बना था तो बाद में उस ओपिनियन का आज जो अशर हो रहा है कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो जेल के वो सलाखों के पीछे होता है दूसरा लंदन में छुप रहा होता है तीसरा कहीं और फ्लाइट पकड़ने की कोशिश में होता है वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है फ्रीडम है सिविल लिबर्टीज़ हैं जिसके लिए हम लोग लड़ते हैं और जो हमारा असल मकसद है उसका जो अशर है वो आपके सामने है इसलिए हम कहते हैं भाई मैनिपुलेट मत करो प्यार और मोहब्बत और मैनिपुलेशन में ये फ़र्क है प्यार और मोहब्बत का मतलब है कि क्लियर सच्चाई पे मबनी जो स्टेटमेंट है वो अवाम के सामने पेश करो कि चलें जी इस मसले का ये मसला है और ये हल है और अवाम उस पर फिर फैसला करें तो ये चीज़ है थैंक यू जी बहुत अच्छा और हसन भाई जनाब बहुत इंगेजिंग और बड़ा थाट प्रोवोकिंग टॉक थी आप हजरात की दोस्तों की तो मेरे दो सवाल हैं वेरी क्विक एक कमेंट एक तो एक सवाल ये है कि पाकिस्तान जो आया पाकिस्तान की जो बिज़नेस वजूद में आई या या पाकिस्तान वजूद में आया वो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत थर्टी सिक्स नहीं किस एक्ट के तहत और से, सोफार सेल राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के सेल्फ डिटर्मिनेशन से, से ज़्यादा जो था एक थ्योरी ये है कि जो सी पी आई का था जो है सपोर्ट करना पाकिस्तान को वो इसलिए भी थी कि जो कि पोलिटिकली रशिया सोवियत यूनियन अलाई था ब्रिटिश का और काफ़ी जो है हमारे जोमा जो थे उस वक्त उस ज़माने की आस प्यार में भी काम कर रहे थे फैज़ अहमद फैज़ साहब ये वो तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो राइट ऑफ सेल डिटर्मिनेशन जो है मुझे ये बताएं कि जो हम कहते हैं कि कश्मीर को जो है मसला राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के तहत हल किया जाए तो ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनीशन हम जो हैं हम बलोचों और सिंधियों के लिए या पश्तनों के लिए हम या गलगितियों के लिए हम क्यों नहीं जो है तस्लीम करते तो इस पर कमेंट करें और दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक थ्योरी ये है कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की का जो खाना पीना है सारा जो कश्मीर का उन्होंने इसलिए भी उठाया वो उठाया हुआ है यह गिलगित बल्तिस्तानी कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की फ्रीडम्स पे अब ऐसे गाँव जो है इंडस के साथ गिलगत बल्तिस्तान में है जहाँ मेहमान एंटर और एग्जिट जो है या कोई टूरिस्ट जो है पाकिस्तानी फ़ौज की मर्जी के सवा नहीं हो सकता और ये कितनी ट्रेजडी है कि अभी कुछ साल ही जो है उनको एक शूबाई हैसियत दी गई है तो इस कश्मीर के पूरे तनाजर में गिलगुल बल्चिस्तान के लोगों के राइट्स कहाँ जाते हैं बात यह है कि बशानी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये नाइनटीन सिक्सटी टू में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वॉज़ एक्सरसाइज बाई कंट्रीज विच कॉलोनीज जब स्टेट्स का हिस्सा बन जाती हैं तो ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन किसी के पास नहीं है उसकी वजह यह है कि यूएन चार्टर के अंदर यह भी है कि दॉवरन इंटेग्रिटी ऑफ अ कंट्री इज इनवायलेबल तो जहां पे देखना ये यह चार्टर के अंदर एक तजाद है। अगर आप कहें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दो स्टेट देन वोक्स कि मेरी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है यू एन चार्टर के अंदर अपहेल्ड है इसलिए पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर फिर इस तरह तो यू ए वो जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं मिजोराम और ये वो भी सारी ये चाहेंगी और ये इंडिया की बॉल्कनाइजेशन को रोकने के लिए तो ये सारी चीज़ों को रोका गया था ये एक शैतानी सोच है अलबतः पाकिस्तान के अंदर इंडिया में और पाकिस्तान में फ़र्क क्या है इंडिया में 1947 में नौ स्टेट्स थे वो अब उनतीस हो गई हैं सो उन्होंने राइट ऑफ डिटेमिनेशन को विद इन द यूनिटी ऑफ इंडिया में रखा है एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट रीजनल इटॉनमी ग्रेटर डिमांड ऑन द फंड्स दोज आर लेजिटमेट राइट्स एंड दे क्रिएट स्मॉलर स्टेट्स टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ कल्चर और ऑफ़ द बैकवर्ड नेचर ऑफ़ द इकोनॉमी। तो पाकिस्तान ने क्या किया है पाकिस्तान ने जो थी 1940 का रेवोल्यूशन वो तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियाद पे झूठ बोला गया और जब जिना साहब गवर्नर जनरल बने तो हजार गुना ज्यादा सेंट्रलाइज स्टेट मिस्टर जिना ने कायम की गवर्नर जनरल के होते हुए वेन यू हैसाइज सच पावर्स अंडर द पार्लिमेंट्री डिमोक्रेसी सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर येस गवर्नर जनरल के तौर पे उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की हुकूमत को डिसमिस कर दिया वे देर वॉज नो बेसिस अंडर द गवर्नर्स रूल आर्टिकल 93 में व्हेन इन अ हाउस यू डोंट हैव अ अजॉरिटी एंड देर इज अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ओनली देन गवर्नर्स इंटरवेंशन इज अलाउड वो दोनों चीज़ें नहीं थी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया सिंध के अंदर अयूब खोडू जो थे उन्होंने कहा कि आप कराची जो हमारा हमेशा कैपिटल रहा है उसको फेडरल टेरिटरी बना दिया है तो वी आर अ टू दैट ये सिंध का हिस्सा है तो उन्होंने कहा कि अपना कैपिटल लो और उड़ जाओ उन्हें कराची से निकाल दिया और हैदराबाद भेज दिया तो पाकिस्तान ने कभी फेडरलिज्म को भी रिस्पेक्ट नहीं किया इंडिया का रिकॉर्ड इस एतबार से बहुत बेहतर है हाँ यू वॉन्ट टू ब्रेक आउट ऑफ इंडिया देन द होल माइट ऑफ द इंडियन स्टेट कम्स ख़ालिस्तान को उन्होंने क्रश कर दिया कश्मीर को क्रश कर दिया नॉट एन इंच वुड द इंडियंस लेट गो और मैं कहता हूँ यही पाकिस्तान का भी है जिस तरह की यू एन चार्टर के मुताबिक स्टेट की राइट है ना टू टेरिटोरियल इंटेग्रिटी उसके 1962 के बाद जब कलोनील एंटी कलोनियल वो सारा काम हो गया है तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज़ नो लॉन्गर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ तो ये दोनों में फ़र्क है जी हम हमारे पास सात मिनट हैं और दो दो सवाल हैं इसलिए मेरी आपसे भी गुजारिश है कि क्विक रिस्पॉन्स और छोटा सवाल अभी बशानी साहब पहले आ, उनके सवाल का जवाब ये हुसन मुशतबा साहब का बड़ा ज़बरदस्त सवाल था इस पर मैं अपनी पोजिशन क्लियर कर दूँ कि जो बलोचिस्तान का बलोचियों का या पख्तूनों का या सिंधियों का जो है वो कामियत के तौर पर जो उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है

इस तरह पूरी दुनिया का सेल्फ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन चलिए चलिए वो वो सर एक एक मिनट मेरी बात तो खत्म करने दें जी बात ये है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज ए प्रिंसिपल इज नॉट ए लॉ जिस तरह प्रोफेसर साहब ने क्लियर कर दिया ये एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है जिसकी रोशनी में डिकॉलोनलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ लेकिन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की अनकंडीशनल जो सिचुएशन है उसके पीछे जो फलसफा है के कामों और कामियतों को अपने बारे में फ़ैसले करने का हक जो है वो अनकंडीशनली हासिल होना चाहिए इसको किसी ने यूएन में जा या इंटरनेशनल लॉ में जाके चेंज नहीं किया कि आज के बाद ये नहीं होगा इसलिए जो बलोचों बलोच अगर ये मांगते हैं या कश्मीरी मांगते हैं कश्मीर के हवाले से जो मैंने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की थी वो मैंने इसलिए की थी कि पाकिस्तान उसमें कंडीशन डाल रहा है कि राइट ऑफ़ सेल्फ़ डिटर्मिनीन की रोशनी में कश्मीरियों को आज़ादी दो लेकिन वो आज़ादी सिर्फ ये होनी चाहिए कि वो इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतब करें जो कि कश्मीर की डेमोग्राफी जिसकी इजाज़त नहीं दे सकती चूँकि ये आप एक ब्लड शेड और कत्ल वारतगरी का एक रास्ता खोल रहे हैं मैंने इस रेफरेंस में कहा था आपकी और मेरी गालिबा काइंड ऑफ एक पर्सनैलिटी क्लैश हो गई है <laughs> <laughs> तो आप है आप हर चीज़ घुमा फिरा कर असल मसला अब देखें ये अनादर लिटमस टेस्ट है पाकिस्तान अथॉरिटी के लिए कि बल्दिस्तान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शिकवा यह है कि ये 370 और 35 इंडिया ने ख़त्म कर दिया जम्मू कश्मीर में और ये इतना बड़ा जुल्म हो गया कि इसको रेक्टिफाई किए बग़ैर कोई बात ही नहीं इंडिया से हो सकती मैं इसलिए कहता हूँ ना कि वी आर टाकिंग अबाउट इम्पॉसिबल्स दूसरी तरफ यही काम जो है वो पाकिस्तान ने 1974 में गलगित बल्दिस्तान में कर दिया था गलगत बल्दिस्तान में यही कानून था ये कानून इंडिया ने या पाकिस्तान ने नहीं बनाया ये ये महाराजा हरी सिंह के ज़माने का कानून था ये 35 वाला कि कश्मीर की टेरीटोरी के अंदर कोई फॉरनर जो है वो ज़मीन नहीं ख़रीद सकता या मुलाजमत नहीं कर सकता तो गलगत बल्तिस्तान में उन्होंने 1974 में ये ख़त्म किया जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे पंजाब से पख्तनख्वा से लोग जाके तो उन्होंने उन बेचारे गरीब लोगों की जमीनें खरीद ली या उन कब से कर लिए तो ये ही प्रिंसिपल जो है उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान कहता है कि जब तक इंडिया इसको रेक्टिफाई नहीं करता जिस जिसपे मैं आपको एक बार और मजे की बात बताऊं कि थ्री सेवनटी जो है इज नॉट अबाउट कश्मीर थ्री सेवनटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है दिस इज एन आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से दफ़ात डालता है या निकालता है इज़ नन ऑफ माई बिजनेस और इज़ नन ऑफ बिजनेस ऑफ पाकिस्तान रूलिंग एलीड के वो उनको डिक्टेट करे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन किस किस्म का बनाएं इस तरह तो फिर इंडिया को भी पाकिस्तान को ये डिक्टेट करना चाहिए ना कि आप अपने आर्टिकल्स में जहाँ आपने जो है ये लिखा हुआ है कि यहाँ का सरबरा जो है वो सिर्फ मुसलमान होगा इसको जब तक आप बदल के नहीं लिखते कि इसमें हिंदू भी हो सकता है उस वक्त तक हम आपसे बात ही नहीं करेंगे जी थैंक यू uh, मेरा नाम उदय चौहान है uh, डॉक्टर साहब मैंने कई बार आपको सुना है ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर की जो एल वो फ्रंटायर बन जाए इंटरनेशनल फ्रंटायर बन जाए फिर वो खोल दी जाए ताकि कश्मीरी आ जा सकें uh, डरन लाइन को खोलने के बारे में आपका क्या ख्याल है और ताफ्तान किरमान बॉर्डर को खोलने के बारे में आपका क्या ख्याल है ताकि बलोच लोग भी आसपास जा सकें इसके अलावा मेरा दूसरा क्वेश्चन ये प्यार मोहब्बत को लेकर के है कि इंडिया में 29 स्टेट्स एजुकेशन बोर्ड्स हैं जो अपनी किताबें छापते हैं कि कभी किसी रिलीजन को इस बारे में ये अपने बच्चों को नहीं सिखाते कि ये हमारा दुश्मन है लेकिन पाकिस्तान के जो चार स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स हैं उनकी किताबों की पूरी तफसीर मुझे पता है दो पर्टिकुलर रिलीजन को वो बोलते हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमारे दुश्मन है इसके बावजूद क्या प्यार मोहब्बत पॉसिबल है ये, ये सवाल आप दोनों से हजरत एक ही जवाब दे सकेंगे टाइम नहीं और तीसरा फाइनल क्वेश्चन पाकिस्तान के हलकों में कई बार यूनाइटेड नेशंस का हवाला दिया जाता है मगर पिछले 75 सालों की हिस्ट्री में हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशंस क्या इतना सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ कर पाए तो तो नहीं, नहीं नहीं अच्छा उदय जी तीसरे सवाल को रहने दीजिए उस पर बशानी साहब ने कल काफी बात कर ली है दो सवालों के थैंक यू क्विक जवाब दीजिए ताकि हम वाइंड अप करें यार तीन सवाल थे आपके पहला क्या था जरा बता दो दूसरा तो मुझे याद है जी पहला क्वेश्चन ये था कि जैसे हाँ, आप कश्मीर की बॉर्डर को खोलने अच्छा, की बात करो हाँ, पर्टिकुलर जो, हाँ, हाँ, जो डिमोनाइज किया जाता है स्कूल टेक्स्ट बुक्स में पाकिस्तान के अंदर उसके बावजूद क्या कभी भी किसी तरह की प्यार मोहब्बत हो सकती है ठीक है सर एक मिनट में मुनासिब बात एक मिनट में चले आज जब गुफ्तु शुरू हुई थी तो मैंने कहा और ये निसाब के अंदर जो हिंदुज़म के ख़िलाफ़ है मैं ये बात कर चुका हूँ मेरी आज प्रेजेंटेशन में बात ही यहाँ से शुरू हुई थी कि जब तक आप हिंदुस्तान की दुश्मनी हिंदुज़म के ख़िलाफ़ नफरत अपने वो निसाब में अपने गुफ्तु में ख़त्म नहीं करेंगे तो दोस्ती नहीं हो सकती तो ये तो एक पहली कंडीशन है उसके साथ एक और कंडीशन है कि जो टेर्रज़म पाकिस्तान के जरिए होती है दैट मस्ट ऑल्सो कम टू अ कम्प्लीट एंड सो विदाउट दिज टू कंडीशंस बींग फुलफिल्ड द क्वेश्चन ऑफ पीस मेक्स नो सेंस वाई वुड इंडिया वॉन्ट पीस विद समी वॉन्ट्स टू कम एंड स्टेप यू इन द बैक तो आई एम नॉट फूल आई हैब्लिकली मैनी मैनी टाइम्स कि पीस येस आई थिंक पीस इज़ गुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान क्योंकि दोनों जगह पर जितनी गुर्बत है जितने मुसीबतें हैं क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम आएगा इन सब में हमें कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी लेकिन जब तक ये प्री कंडीशंस पूरी नहीं होती तो अगला कदम नहीं उठाया जा सकता सो दैट इज ऑब्वियस दूसरी बात ये है कि ड्यूर एंड लाइन को एक्चुअली दैट्स द पाकिस्तान कॉन्ट्रिडिक्शन नंबर टू कि लाइन ऑफ कंट्रोल को ये मानने में तैयार नहीं है और ड्यूर लाइन को ये तालिबान को भी जब इन्होंने किया था उनको मनाते रहे हैं कि मान लो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है तो मेरी तो ये आर्ग्यूमेंट है कि इस इलाके के अंदर सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जब होगी ना तो बाकी पीस की भी बात होगी इंडिया एंड पाकिस्तान मोस्ट बोथ शुड फील सिक्योर के नो बडी इज़ गोइंग टू अन डू दैम तो, तो उधर अफ़गानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है पाकिस्तान का लेकिन पाकिस्तान ने अपनी इन्वॉलमेंट थ्रू द अफगान जिहाद इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी उन्होंने दुश्मन बना लिए तो ये प्रॉब्लम बेसिकली पाकिस्तान का है उसको ये रेक्टिफाई करना पड़ेगा और तब अगली बात हो सकेगी जी सर शुक्रिया अच्छा आ, हम इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज पे बात क्यों करते हैं अपरेंटली लगता है ये लिटरेरी फेस्टिवल है ये लिटरेरी ये नॉन फिक्शन का जान है जो कि नॉन फिक्शन में ये सारी बातें होती हैं ठीक है ना ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कोई आ, हम कर रहे हैं कि हम करना चाहते हैं नो ये उसका और चूँकि ये सब साउथ एशिया का सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कश्मीर की मैं बात नहीं कर रहा मेरे नज़दीक कश्मीर मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ क्लोजअप करते हुए बड़ा मसला नहीं है बड़ा मसला माइंड है अब उसकी डिटेल बाद में उसकी डिटेल बाद में बहुत बहुत शुक्रिया ये सेशन सुनने का